ये एक टॉपिक मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूँ भाई, इंग्लिश का एक टॉपिक है, इंग्लिश ग्रामर का। नाउन का मैंने लास्ट क्लास में पूरा ख़त्म करा दिया था, सारे पार्ट्स ए टू जेड। नाउन में उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, प्रोनाउन। क्या टॉपिक स्टार्ट करते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये सर्वनाम, हिंदी में बोलते हैं इसको सर्वनाम। ठीक है, नाउन के बाद ये आता है टॉपिक। ठीक है, नाउन के बाद ये टॉपिक आता है सर्वनाम का, क्योंकि ये लाइन से ही चलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन मेरे को पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। सो फर्स्ट वी हैव टू नो, वी शुड नो व्हाट इज द डेफिनेशन। सो प्रोनाउन इज अ वर्ड्स, प्रोनाउन वो शब्द हैं, दोज यूज इंस्टीड ऑफ नाउन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड दोज यूज इंस्टीड ऑफ नाउन। ठीक है, यूजेस यानी कि जो प्रयोग किए जाते हैं नाउन के स्थान पर शब्द, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं भाई। बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, इंस्टीड का मतलब होता है के स्थान पर, के स्थान पर। ठीक है, इंस्टीड का मतलब होता है के स्थान पर, के स्थान पर। नाउन के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो क्या होंगे? प्रोनाउन होंगे। एग्जाम्पल मैं अगर ले लूं तो ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये इम्पोर्टेंट प्रोनाउन है। ही लड़के के लिए वह है तो, शी लड़की के लिए वह है तो, इट माने यह होता है यह, आई माने मैं होता है, वी माने हम, यू माने तुम, दे माने वे। ठीक है भाई, ये तो इसकी डेफिनेशन थी। डेफिनेशन बड़ी आसान है, तो उसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई। प्रॉब्लम आती है अब आगे, जिसमें दिक्कतें आती हैं, इसके जो काइंड होते हैं बच्चों, काइंड जो होते हैं, काइंड ऑफ प्रोनाउन, काइंड ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, बहुत सारे काइंड होते हैं, जो मेन काइंड होते हैं वो सेवन काइंड होते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट काइंड है वो सेवन है, और बाकी अगर मैं सारे देखूं तो नाइन होते हैं। कितने होते हैं? नौ होते हैं। सबसे पहला जो इसका काइंड है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना पड़ेगा, ये काइंड ही याद होनी चाहिए, क्योंकि इन काइंड में से यूज होते हैं। सबसे पहला जो है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, कोई सीरियल नहीं है, आगे पीछे बस याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चौथा है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है भाई
इन डेफिनिट, इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है भाई। सिक्स आ जाता है हमारा, रिफ्लेक्सिव हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या आता है? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। एक और आता है भाई, इंटरोगेटिव ये आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है भाई। इंपोर्टेंट ये सात हैं, इसके अलावा दो और होते हैं, इम्पैथिक, इम्पैथिक और रेसिप्रोकल, इम्पैथिक और रेसिप्रोकल, लेकिन वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिखवा देता हूं। लो, इम पैथिक, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं होते, प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। तो एक बार मैं रिकॉल करता हूं जल्दी से, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये एक्स्ट्रा है, इम्पैथिक और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं अगर आपको जानना चाहते हैं तो हिंदी में मैं लिखवा देता हूं भाई, पर्सनल प्रोनाउन को बोलते हैं पुरुष वाचक। क्या बोलते हैं? पुरुष वाचक। रिफ्लेक्सिव को क्या बोलते हैं भाई? निजवाचक। हिंदी में निजवाचक सर्वनाम, ठीक है भाई। डेमोन्स्ट्रेटिव को संकेतवाचक भी बोल देते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव को भाई हिंदी में देख लेते हैं एक बार, क्या है? संकेतवाचक, बिल्कुल ठीक है, संकेत वाचक, ठीक है। इंटरोगेटिव को प्रश्नवाचक, इंडेफिनिट को अनिश्चयवाचक, ठीक है जी। रिलेटिव को संबंधवाचक या संबंध सूचक भी बोल देते हैं, है ना। रिलेटिव को संबंधवाचक, ठीक है, संबंध वाचक, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटिव को बोलते हैं विभागवाचक या विभाग सूचक, ठीक है जी। इम्पैथिक को दृढ़ता सूचक, यहां लिख देता हूं, दृढ़ता सूचक या वाचक कुछ भी बोल सकते हैं। रेसिप्रोकल को परस्पर वाचक, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है वैसे, यानी कि उल्टा, तो परस्पर वाचक। अगर मैं देखूं तो नौ है, पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं निजवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को बोलते हैं संकेतवाचक, इंटरोगेटिव प्रोनाउन को बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन को अनिश्चयवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन को संबंध सूचक या संबंधवाचक सर्वनाम,
डिस्ट्रीब्यूटिव को बोलते हैं विभाग सूचक सर्वनाम, इम्पैथिक को बोलते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम, और रेसिप्रोकल को बोलते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम। अब इन्हें हमें एक एक करके पढ़ लेना है कि इनके अंदर क्या आते हैं, और इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पर्सनल प्रोनाउन पहला ही है। ठीक है, ये सात तक तो मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट ही हैं, ये तो पढ़ने ही पड़ने, इसके बाद इन्हें आप छोड़ भी सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया, एक बार मैं रब कर देता हूँ, इससे आगे चलते हैं। ठीक है, रब कर देता हूँ मैं, इससे आगे चलते हैं भाई। बिल्कुल जीरो से है, जब बेस किसी भी चीज़ का आपका ठीक है तो आगे सीखने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। अब बेस का ही नहीं पता, मेरे को नहीं पता कि -2 और -2 कितने होते हैं, तो फिर मैं आगे सवाल नहीं सीख पाऊंगा। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं भाई। बात आती है पहले पॉइंट की, बात किसकी आती है, पहला जो काइंड था, पहला जो काइंड था उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला काइंड था पर्सनल प्रोनाउन। क्या काइंड था? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है जी, पर्सनल प्रोनाउन ये पहला है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक। याद करने का सबसे अच्छा तरीका कि आप चीजों को लिख लिख कर याद करें। एक चीज को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि मैं उसे 10 बार पढ़ूं, है ना। तो पहला जो है पर्सनल प्रोनाउन है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसके बारे में क्या आता है? नाम से ही पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है। इस सर्वनाम से किसी भी स्त्री, पुरुष या कोई भी वस्तु, स्त्री पुरुष या वस्तु प्रकट होती है, या वस्तु के बारे में ज्ञान होता है। यानी कि ये किसी वस्तु, किसी स्त्री या किसी पुरुष के बारे में यूज होती है। अब जैसे क्या एग्जाम्पल वही है जो पहले के थे, ही शी इट आई वी यू और दे। ठीक है जी, ये एग्जाम्पल है इसके, क्योंकि इन्हीं शब्दों से हम क्या करते हैं, इन्हीं शब्दों से पता चलता है हमें कि हाँ भाई आदमी है, औरत है। जैसे ही पुरुष के लिए, शी गर्ल्स के लिए, इट किसी वस्तु के लिए। ठीक है, अब इस पर्सनल प्रोनाउन के बच्चों 3 पार्ट होते हैं। इस पर्सनल प्रोनाउन के 3 पार्ट होंगे, वो कौन कौन से होंगे देख लो। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। दूसरा होता है सेकंड पर्सन, ठीक है जी। तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं भाई उत्तम। हिंदी में भी मैं बता रहा हूं ताकि थोड़ा बहुत याद रहे थोड़े दिनों तक। उत्तम पुरुष,
मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है जी। कैसे समझते हैं? दो आदमी बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, तो जो स्पीकर होता है, जो बोल रहा होता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुन रहा होता है वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात हो रही होती है वो थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, बताने की जरूरत है नहीं? ठीक है, अब देखो इसमें जो आएंगे, जो बात कर रहे हैं, आई माने मैं या वी माने हम, ये दो आएंगे। अगर आई है या वी है तो क्या है वो? फर्स्ट पर्सन। बात आई समझ? ठीक है, सेकंड पर्सन में यू आता है हमेशा, बस यू। ठीक है भाई, और थर्ड पर्सन में आते हैं दे। थर्ड पर्सन में क्या आते हैं? दे। ठीक है, थर्ड पर्सन में दे आ जाएगा, दे माने हुए तीसरा आदमी, ही माने हुए शी या इट, ये तीनों, क्योंकि ही माने वह, शी माने वह। मैं बोल सकता हूँ ना, मैं राम से बात करूँ, मैंने बोला कि यार वो बड़ा अच्छा लड़का है, तो वह, वो का मतलब वह बड़ा अच्छा लड़का है, तो थर्ड पर्सन के बारे में, थर्ड हो गया। ठीक है, तो ये बड़ा छोटा सा मैंने तुम्हें बता दिया। अब एक बात याद रखना, इसकी छोटी सी टेबल बनती है, वो टेबल मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार इसको उतार लो, नहीं समझ में आया तो बताओ, एक बार उतार लो इसे। उतार लिया, रब कर दूं इसको? चलो मैं इसको क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं भाई। मैं रब कर देता हूं इसको। अब ये एक टेबल बनती है, इस टेबल को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एक्टिव पैसिव भी करेंगे ना, तो ये टेबल आएगी, इस टेबल का यूज आएगा बच्चों। ठीक है, यहां पर आप प्रोनाउन डाल दें, हेडिंग प्रोनाउन या सर्वनाम। ठीक है जी, ठीक। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक और कर्म कारक, और एक और आता है संबंध, अभी बताऊंगा, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अभी एक जब मैं कराऊंगा तो समझ आएगा। ये टेबल आपको एक्टिव पैसिव में भी काम आने वाली है, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, अभी जब मैं लिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। मैंने कितने बताए थे भाई प्रोनाउन, कितने कितने? आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। ठीक है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक, कर्ता कारक को इंग्लिश में बोलते हैं भाई नॉमिनेटिव केस, वो मत याद रखो, सिर्फ हिंदी में याद कर लो, इसका सिर्फ याद होना चाहिए, ये तो अपने आप याद हो जाएगा, बस ये और ये याद रखना है आपको, जो एक्टिव पैसिव में भी काम आएंगे। आई का कर्ता कारक में आई रहने वाला है, यानी कि इसका सभी सेम रहेगा। वी का वी ही रहने वाला है, यू का यू ही रहने वाला है, दे का दे ही रहेगा, ही का ही रहेगा,
शी का शी और इट का इट, ठीक है। कर्ता कारक में कुछ भी चेंजेस नहीं होते। अब कर्म कारक में देख लो भाई, कर्म कारक में थोड़े से चेंजेस होंगे। कर्म कारक में आई का बन जाता है मी, वी का बन जाता है अस, यू का रहता है यू ही रहेगा, दे का देम, ठीक है, ही का हिज, शी का हर, ठीक है, इट का इट ही रहने वाला है, जहां तक मुझे आइडिया है इट का इट ही रहेगा, ठीक है जी। ये याद करना है, क्योंकि क्या होता है एक्टिव पैसिव में, जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो वहां पे आई जो होगा वो मी बन जाएगा, वी जो होगा वो अस बन जाएगा। तो ये याद रखने की जरूरत है, आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो गया, ही कहाँ लिखा है मैंने, एक मिनट, शी का हो गया हर, अच्छा यहाँ पे एक काट दिया, यहाँ पे देखो ही का ये ऐसे हो गया थोड़ा सा ऐसे, ही का यहाँ पर हिम हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये है इट का इट और दे का देम, ठीक है। अब देख लो, दो मिनट बस, यही हो जाएगा। अब संबंध कारक को इंग्लिश में बोलते हैं पोजेसिव। आई का हो जाता है माई या माइन, वी का हो जाता है आवर या आवर्स, ठीक है, यू का हो जाता है योर या योवर्स, योर्स भी बोल देते हैं, ही का हो जाता है हिज, देखो यहां पे होगा हिज, शी का हो जाएगा हर या हर्स, इट का हो जाएगा इट्स, ठीक है, चलो, दे का हो जाएगा देयर्स, देयर या देयर्स। अब एक चीज याद रखना, इसमें सीरियल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सीरियल्स आगे पीछे हो गया, आई का माइन है, ठीक है, वी का आर्स है, ठीक है, यू का योर्स है, ठीक है, ही है मेरे पास, ही नहीं है दे, तो ये आगे पीछे हो गया है थोड़ा सा, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैंने बोल बोल के बता दिया। सर एक यहाँ पे चेंज कर लो बस, यहाँ पे दे का आ गया देयर और देयर्स, ठीक है, हो गया, ये खत्म हो जाते हैं। क्या? अरे सर मैं देखा ही नहीं। क्या हुआ सर? यह बन गया सीरियल, बाकी मैंने बोल बोल के आपको सारा समझा दिया, आपकी बुक में भी होगा, एक बार चेक कर लेना। ये आपने दोनों याद रखने हैं, एक बार को ये तो अपने आप याद रहेगा, ये और वो जरूर याद रखना आपको, ठीक है। अगली क्लास में प्रोनाउन को रिज्यूम करते हैं दोबारा से, इतने इसे पढ़ लेना, उतार लेना भाई।